ठंडी हो या गर्मी हो, आलू का पराठा तो सभी का फेवरेट होता है। तो चलिए झटपट बनाते हैं आलू का पराठा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। तो सभी को स्वागत है मेरे चैनल अदितीज़ किचन में। वीडियो के एंड तक बने रहें, और जो भी न्यू लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिले। तो चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ आलू बॉईल कर लिया है। आलू को बॉईल करके पहले से रख लिया था। आलू को इस तरीके से हम मैश कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए, मैंने आलू को अच्छे से इस तरीके से मैश कर लिया है, और अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज इस तरीके से, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और हरी धनिया बारीक कटा हुआ। नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार, और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसमें भोज मसाले का पराठा मसाला, और सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप और स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, फटाफट ये आलू का पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इस तरीके से आपको आलू का पेस्ट फटाफट बना के रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे आटे को पहले से गूंथ के रख लिया था, और एक बड़ी सी लोई ली है, उसको इस तरीके से मैंने बना लिया है। अब इसमें हम फिलिंग कर लेंगे आलू के पेस्ट की, और इसको किस तरीके से हमें लॉक कर लेना है, यानी बंद कर लेना है इस तरीके से। ऐसे करने से आलू का पराठा जो है वो फटता नहीं है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको लॉक कर लिया। अब थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे सूखा आटा इस तरीके से। पहले हाथों से इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जिससे आलू का पराठा फटता नहीं है। और अब इसे हल्के हाथों से बेलन से इसे हमें बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको इस तरीके से पराठे को बेल लिया है, और कहीं से भी ये इसकी फीलिंग बाहर नहीं आई है। बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। तवा मैंने यहाँ पे पहले से गरम कर लिया था, डाल दिया एक तरफ, हो गया है। अब इस पर हम घी लगा देंगे। आप चाहे यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं, अच्छे से लगा के, और दूसरी तरफ भी पलट के इसमें दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पराठा बन रहा है, और दोनों तरफ पलटते पलटते इसे हमें पका लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप देख सकते हैं वन साइड में इतने अच्छे से ये पराठा पक गया है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से पका लेंगे। तो लीजिए, ये झटपट आलू का पराठा बन के रेडी हो गया है। और तो चलिए, इसे हम अब सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में, और गर्मा गर्म सर्व करते हैं दही और चटनी के साथ में। और ये पराठा टमाटर की चटनी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और थोड़ी सी हम आम की चटनी रखेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म आलू का पराठा बन के रेडी हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट फिर से एक बार कह रही हूँ, करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आप मेरे साथ में बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।